कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप को खत्म करने के लिए देश के सभी बड़े सितारे आगे आ रहे हैं। उन्हीं सितारों की लिस्ट में भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। यूट्यूब के आज कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिन्हें भारत के लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं। इन यूट्यूब के सितारों ने पहले तो पीएम राहत कोष में दान देकर कोरोना वायरस से लड़ने में मदद की थी और अब लॉकडाउन से जूझ रहे लोगों को नए अंदाज में प्रेरित कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बोर हो रहे हैं और अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने को है लेकिन कोरोना वायरस पर अभी तक लगाम नहीं लगा पाई गई है, जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन को अब बढ़ा दिया गया है। अब इससे लोग और भी विचलित होंगे, जिसके चलते यूट्यूब के सितारों ने लोगों का हौसला देने के लिए एक रैप सॉन्ग तैयार किया है। यह रैप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर रहकर ही सभी सितारों ने अपने अपने प्रोस्पेक्ट से इसे शूट किया है। इस रैप में यूट्यूब के लगभग सभी बड़े सितारे शामिल है। अमित भडाना को छोड़कर इस रैप में भुवन बाम, आशीष चंचलानी, बी टेक्निकल गुरुजी के चौधरी, राउंड टू हेल के टीम से जियान सैफ, नाजिम और वसीम, आशिकी, मुंबईकर निखिल, हर्ष बेनीवाल और कैरी मिनाटी के अजय नागर जैसे और भी कई यूट्यूबर्स शामिल हैं। यह रैप वीडियो आशीष चंचलानी के चैनल पर डाला गया है जिसका नाम है द लॉकडाउन रैप। इससे पहले इंडियन यूट्यूब सितारों ने पीएम फंड में दान किया था, जिनमें बीबी की वाइन के भुवन बाम ने 10 लाख, अमित भडाना ने 50 लाख और आशीष चंचलानी ने 3 लाख रुपए डोनेट किए थे। वहीं कोरोना वायरस की बात करें तो अब तक भारत में कोरोना वायरस के 7,400 मरीज हैं, जिनमें से 239 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि ओडिशा और पंजाब ने अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया है, अब आगे देखना ये होगा कि क्या लॉकडाउन पूरे देश में बढ़ाया जाएगा या कुछ शर्तों के साथ इसे खोल दिया जाएगा। फिलहाल बॉलीवुड के सितारे बार बार लोगों को आकर घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय यूट्यूबर ने भी मोटिवेशनल द लॉकडाउन रैप निकाल दिया है, तो जाइए इसे सुनिए और घर पर रहिए जब तक कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म न हो जाए। और जुड़े रहिए हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।